हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार दो दिन मनाया जाता है, एक दिन गृहस्थ जीवन वाले और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय वाले जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल जन्माष्टमी का त्यौहार किस दिन पड़ रहा है, क्या शुभ मुहूर्त है तथा इस दिन हम ऐसे कौन से विशेष उपाय करें जिनको करने से हम अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। साथ ही उन उपायों को करके हम लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस बार किस दिन मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्यौहार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, लड्डू गोपाल या किशन कन्हैया कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में नटखट लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार ने पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में जन्म लिया। सदियों से ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, मंदिरों में साफ सफाई और साज सज्जा करते हैं। लड्डू गोपाल के जन्मदिन की खुशी में कई तरह के मेवे और पकवान बनाए जाते हैं और धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, इस बार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 6 और 7 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को जन्मोत्सव मनाएंगे और वैष्णव संप्रदाय वाले 7 सितंबर को जन्मोत्सव मनाएंगे। 6 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे रात को मथुरा में हुआ था। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में ये त्यौहार हर साल पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रह करके पूरे नियम और संयम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कंस के बढ़ रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। दोस्तों, इस बार जानते हैं कि जन्माष्टमी तिथि पे क्या शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 6 सितंबर दोपहर 3:37 से शुरू होगी, जो कि 7 सितंबर 2023 को शाम 4:14 पर रहेगी। अर्थात 6 सितंबर को दोपहर में 3:37 से शुरू होके 7 सितंबर को शाम को 4:14 तक रहेगी। ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है, गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति 6 सितंबर को मनाएंगे। 6 सितंबर को गृहस्थ जीवन वालों को जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि इस दिन रोहिणी नक्षत्र और रात्रि पूजा में पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म रात में ही हुआ था। 7 सितंबर पंचांग के अनुसार वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। साधु संत और सन्यासियों में कृष्ण की पूजा का अलग विधान है और इस दिन दही हांडी उत्सव भी मनाया जाता है। तो ये वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को सुबह 9:20 से शुरू होगा और 7 सितंबर को सुबह 10:25 तक रहेगा। अर्थात 6 सितंबर को पूरी रात में रोहिणी नक्षत्र रहेगा और श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में होना ही शुभ होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की पूजा का समय 6 सितंबर को रात में 11:57 से 7 सितंबर को सुबह 12:42 तक रहेगा, यानी कि पूजा की अवधि 46 की कुल होगी। इस अवधि में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और श्री कृष्ण की पूजा करी जाएगी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी का जो लोग व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय क्या होगा। दोस्तों, जिन लोगों के घर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समापन के बाद जन्माष्टमी के व्रत का पारण होता है, वो देर रात को 12:42 के बाद पारण कर लेंगे।
वहीं जो लोग अगले दिन सुबह पारण करते हैं वो 7 सितंबर को सुबह 6:02 के बाद पारण करेंगे। जिनके यहाँ अष्टमी तिथि के समापन पर पारण होता है वो लोग 7 सितंबर को शाम को 4:14 के बाद पारण करेंगे। दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि इस वर्ष जन्माष्टमी पर 30 सालों के बाद ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट संयोग भी बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की यह स्थिति भगवान कृष्ण की भक्ति और जन्म के लिए बहुत ही शुभ है और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली भी मानी जा रही है। दोस्तों इस बार अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग एक साथ मिलने के कारण जयंती नामक योग बन रहा है और इसी जयंती योग में सब लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। दोस्तों हिंदू पंचांग की गणना से देखें तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर बुधवार का दिन और मध्य रात्रि में ही रोहिणी नक्षत्र का अनुक्रम रहने से सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन चंद्रमा अपने उच्च अंश में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और रोहिणी चंद्रमा की पत्नी है, ऐसे में ये योग पूजा में विशेष फल देने वाला है। इस दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग में विशिष्ट पूजन साधना की जा सकती है। दोस्तों प्रत्येक 3 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति निर्मित होती है जब नक्षत्र और तिथि एक साथ पर्व काल को साधते हैं। इस बार जो संयोग बन रहे हैं उसमें बुधवार का दिन विशेष तौर पर मान्य है। इस स्थिति का रोहिणी युक्त होना विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। पंचांग के 5 अंकों में से 2 या 3 अंकों का होना पर्व काल को सफल बना देता है। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र इसी श्रेणी में आते हैं। दोस्तों अब आइए जानते हैं जन्माष्टमी की पूजन विधि के बारे में। जन्माष्टमी व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान कर लें, इसके बाद साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में दीप जलाएं और सभी देवी देवताओं की पूजा करें। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करें और भोग लगाएं और धूप तथा दीप जलाएं। रात्रि में पूजन के लिए तैयारी करें। जन्माष्टमी पर रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में ही हुआ था। रात्रि पूजन के लिए श्री कृष्ण के लिए झूला सजाएं, इसके बाद श्री कृष्ण को पंचामृत या गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद कृष्ण जी को दर्पण अवश्य दिखाएं। ऐसा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस दिन श्री कृष्ण का बांसुरी, मोर मुकुट, वैजंती माला, पाजेब, कुंडल, तुलसी दल से आदि से श्रृंगार किया जाता है। इसके साथ ही पूजन में उन्हें मक्खन, मिठाई, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। पूजा में श्री कृष्ण की आरती जरूर करें तथा श्री कृष्ण जी को एक बालक की तरह उनका सेवा सत्कार करें। दोस्तों अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में, जिनको करने से हम अपने जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं, साथ ही अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं और लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहला उपाय है भगवान श्री कृष्ण को साबुत पान चढ़ाएं, बाद में इस पर कुमकुम से श्री लिखकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। दूसरा उपाय है जन्माष्टमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं। ये उपाय लगातार 5 एकादशी को करें। इस उपाय को करने से आपकी नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं। तीसरा उपाय है जन्माष्टमी से शुरू करके 27 दिन तक लगातार नारियल और बादाम किसी कृष्ण जी के मंदिर में चढ़ाने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो इस उपाय को लगातार 27 दिनों तक जन्माष्टमी से लेकर के करिए और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करें। दोस्तों अगर अपने जीवन में यश और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन से नित्य माथे पर पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिला करके उसका टीका लगाएं। इस उपाय से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा और समाज में यश भी प्राप्त होगा। अगर आप अपने परिवार में सुख और शांति चाहते हैं तो जन्माष्टमी की संध्या के समय घर में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे परिवार में सुख और शांति रहेगी और प्रेम का वातावरण भी बना रहेगा।
दोस्तों जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर प्रभु श्री कृष्ण जी को पीले फूलों की माला अर्पित करें। ऐसा करने से आपके आर्थिक संकट दूर होने लगेंगे और धन लाभ के योग प्रबल होंगे। दोस्तों जन्माष्टमी के दिन प्रातः दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इसके बाद यह उपाय हर शुक्रवार को करें। इस उपाय को करने वाले व्यक्ति से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और इस उपाय को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करें। पूजा के बाद इस बांसुरी को तिजोरी या पर्स में रखें। ऐसी मान्यता है ऐसा करने से धन लाभ होता है। दोस्तों जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे दूध में केसर मिलाकर श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जन्माष्टमी के दिन घर पर गाय या बछड़े की मूर्ति लाएं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में अवश्य ही सुधार होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जो कि जन्माष्टमी के दिन अगर हम करें तो हमारे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।